तो व्हाट्सएप गाइज, इस वीडियो में लोग डिस्कस करने वाले हैं फेक यूट्यूबर के बारे में। हाँ गाइज, इस बार मैं सारे के सारे यूट्यूबर का सारा पोल खोल दूंगा जो आपको शायद से शायद नहीं पता ही होगा। मैं आपको बता दूं, जो सबसे पहले यूट्यूबर करते हैं फेम पाने के लिए गिव अवे, ठीक है, आप गिव अवे कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग गाइज गौर कीजिएगा, जो भी यूट्यूबर आपको बोलते हैं कि इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा, उसमें 90% यूट्यूबर ये भी बोलते होंगे वहाँ पर गिव अवे हो रहा है, ठीक है। आप चाहो वहाँ पर भी आप गिव अवे से ही फेम कमा लो, आपकी कोई औकात नहीं है, ठीक है। आप लोग वहाँ, वो लोग जाके बोलते हैं गिव अवे, वहाँ भी गिव अवे, आलू गिव अवे, वहाँ पे डायमंड गिव अवे, अभी 2000 डायमंड गिव अवे कोई लोग बोल देते हैं, कुछ भी गाइस। फिर बोलेंगे मैं आपको इलाइट पास दूंगा, आप मुझे आईडी पासवर्ड दीजिए, ठीक है। वो आपके पासवर्ड को कुछ भी नहीं करेंगे जिनके हाई सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ये भी बात सही है। फिर आपको क्या उस गिव अवे में आज तक आपको डायमंड मिला है, ठीक है गाइस, ठीक है। आप लोग बोल रहे होंगे कि उसके बहुत सारे सब्सक्राइबर है, 2000 वन लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मुझे ही मिले ये जरूरी है। पर आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं उसमें मुझे एक भी कमेंट आ गया कि हाँ मुझे डायमंड मिला, वो भी सच सच आपने बताया, तो मैं ये फ्री फायर खेलना ही छोड़ दूंगा। आप मुझे बताइए कि आपको क्या सच में आज तक कोई मिला। आप कुछ यूट्यूबर गिव अवे भी करते होंगे, आप कोई चीज़ लिमिट, कोई 500 गिव अवे, 500 डायमंड का गिव अवे हर दिन कर रहा है, कोई ऐसा नहीं होता गाइस। वो लोग बहुत सारे फेक करते हैं, आप लोग बोलते हो कि यार ये क्या पागल आदमी ये क्या बोल रहा है, वहाँ तो मुझे कोड मिलता है, वहाँ लिखाता है कोड जो है यूज हो चुका है, कोई किसी ने पहले कर दिया ये, ठीक है। वहाँ बहुत ज़्यादा लोग आया वो भी हो सकता है। आपने 10 दिन तक ट्राई किया, आपको एक दिन भी मिला, ठीक है, नहीं मिला, अब 10 दिन में भी नहीं आया, आप अनलकी हो, ये भी मैंने मान लिया। इतने सारे जो ऑडियंस है, आपने सब मुझे कमेंट करके पहले ये बताइए कि आपको क्या आज से कभी गिव अवे में कुछ मिला है। गिव अवे मिलता है आप कोड से लिखते हो, फिर जैसे पेस्ट करते हो गए ये कोड तो यूज हो चुका है, वो कोड कौन यूज किया, उसका कोई सब्सक्राइबर ने यूज किया, कौन यूज करेंगे, वो खुद यूज करेगा, वो अपने दोस्तों को कोड देगा, बाबू आप इसे इस्तेमाल कर लो, फिर मैं उन लोगों को बोल दूंगा ये कोड है, आप लोग मार दो कोड वहाँ पे प्ले स्टोर में लगा होगा, कोई और यूज कर लिया अगले बार वो तो बहुत बढ़िया है, मुझे काश तक धोखा नहीं दे सकता है। मैं उसे अगले बार फिर इंस्टाग्राम पे जाऊंगा, मैसेज करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, भैया प्लीज़ मुझे एक डायमंड दे दो, गिव अवे दे दो, ठीक है। आप लोग के पास नहीं हो सकता डायमंड गिव अवे, आप लोग मांग ले क्योंकि आप लोग इसके वीडियोस देखते, पर वो आपको क्यों देगा, बहुत सारे देते भी होंगे पर 90% नहीं देगा आपको गाइस। आप लोग इससे मानो, आप लोग को लग रहा होगा ये क्या कुछ भी बोल रहा है, क्योंकि कोई भी नेम फेम कमाता है उसके अगेंस्ट में बोलने वाला बहुत हो जाता है, ये भी मैं मानता हूँ उसके अगेंस्ट में बोलने वाला बहुत हो जाता है, पर हमेशा हर लोग गलत नहीं होता, ये भी मैं बता दूँ। 90% यूट्यूबर आपको कुछ भी नहीं देंगे, आप लोग सोचते हो क्यों, वो तो पैसा कमा रहे, वो मेरे साथ धोखा क्यों करेंगे, ये भी बात सही है। संतुष्टि का नाम आप लोगों ने सुना होगा गाइस, मैं सिंपली भाषा में बोल देता हूँ, संतुष्टि भी कोई चीज़ होता है गाइस, किसी को भी नहीं होता संतुष्टि। जो लोग यूट्यूब पे अच्छा खासा फेम कमा चुके हैं वो लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं, वो तो चाहे रोज एक डायमंड बोल रहा हूँ गाइस, एक आलू गिव अवे कर सकते हैं, और वो करते भी है, पर वो सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं, आपको कोई भी नहीं मिलेगा। वो ओरिजिनल भी चाहे तो रोज एक आलू गिव अवे कर सकते हैं, सोचिए जिसके पास स्किल है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड जो है मैंने उसको अपने फ्रेंड लिस्ट में रखा है, क्यों, क्योंकि उसके पास स्किल है, उसके पास आलोक नहीं है, मैं भी ये मानता हूँ बहुत लोग के पास आलोक नहीं है, फिर भी वो मेरे फ्रेंड लिस्ट में, क्योंकि वो मेरा दोस्त है, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा अच्छा स्किल है, और बहुत बार जब एडम का कस्टम होता है वो सबसे हाई स्कोर करता है, क्योंकि उसके पास स्किल है पर आलोक नहीं है, गणेश की नहीं है। आप लोग, मैं बोल सकता हूँ कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड इसलिए जीतते कस्टम, क्योंकि मैं वो लोग पहले बोल देते हैं आपको सारा स्किल नहीं लेना पड़ेगा, आपको सारा गन हटा देना पड़ेगा, फिर अगर मैच होता है तो वो एक राउंड भी अगेंस्ट वाला नहीं जीत पाता है, जो सारे का सारा इलाइट पास ले लेता है ना, वो लोग भी नहीं जीत पाते, क्यों, उनके पास पैसा है। आजकल आप लोग सोचते हो जिन इलाइट पास लिया है उसके पास पैसा है, उसके बाद स्किल है, पैसा तो है ही साथ में, उसके साथ स्किल, आप लोग ये कैसे सोच सकते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। उसके पास पैसा वो स्किल हो, उसके पास वो क्या कर सकते हैं, उसके पास करोड़ों रुपया है, वो हजारों लाखों लगा भी रहा है, और उसके पास स्किल है, ये आप लोग कैसे डिटेक्ट कर लेते हो, मुझे ये आज तक समझ में नहीं आ रहा है गाइस। वो लोग इलाइट पास ले लिया, उसके पास स्किल है, ये आप लोग कैसे सोच रहे हो, हाँ आप मुझे पहले ये बताओ, आप लोग ये क्यों नहीं समझ रहे कि जिसके पास पैसा वो ज़रूरी नहीं है कि उसके पास स्किल है, और जिसके पास इलाइट पास नहीं है, केडी आप लोग चेक करो, केडी और केडी भी जिसका 2-3 है, और हेडशॉट रेट चेक करो, हर चीज़ करो। आप लोग करते हैं कि अरे भाई इसने तो सारे लाइट पास ले लिए यार, ये तो बहुत ज़्यादा ही प्रो होगा, ऐसा नहीं होता। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो, ये यूट्यूबर भी फेक, और आपका माइंड सेट वैसा कुछ हो चुका है, आप लोग इस बात को समझो। सारे फ्री फायर वाले इसी धुन में पड़े हुए रहते हैं, इलाइट पास लूँगा मुझे लोग प्रो करें, अरे किस चीज़ का प्रो, अगर आप मैच में कहोगे आपका यार टॉयलेट हो जाएगा या कस्टम में खेलते खेलते,
क्योंकि आपका हाथ पैर काम नहीं करेगा। ये लोग क्या कर रहे हैं, मुझे एक मैच नहीं जीत पा रहे। अगर मैं आपको बता देता हूँ, आपका कोई ना कोई फ्रेंड ऐसा जरूर होगा आपके साथ जो बहुत सारा उसके पास स्किल भरा हुआ, मतलब स्किल इतना ज़्यादा है कि जो हर बार का इलाइट पास भी ले चुका है, हर बार जो टॉपअप इवेंट आता है वो टॉपअप इवेंट भी करता है, वो हार जाएगा, वो एक भी मैच भी नहीं जीत पाएगा। अगर आप चैरेक्टर स्किल नहीं रखोगे, गन स्किन हटा दोगे, तो मैं गारंटी लेता हूँ गाइस आपका बहुत सारे फ्रेंड जीतेंगे जिसके पास आलोक ही नहीं है। अब मैं ये भी मानता हूँ कि फ्री फायर वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली देना चाहिए, और इस बार दे भी रहे। आप लोगों को याद होगा एक स्पिन आया था जिसमें 75% ऑफ था, एक डायमंड में भी इलाइट पास दे रहे थे वो फ्री फायर वाले। बहुत बढ़िया, इस तरह के वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करता रहूँगा, बस आपको करना ही है कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको इसका पार्ट टू चाहिए या नहीं चाहिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।